जो सवाल आपने पूछा जवाब उसका मैं ये देना चाहती हूँ। रिपोर्ट कार्ड दिखाने का वक्त है, सवाल उठाने का वक्त नहीं है। और मंदिर आपके बाप की जागीर नहीं है। हिमाचल में चुनावी सियासत पूरे उफान पर है, राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने महिलाओं व बच्चियों के साथ हो रहे अपराधों को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। मनाली में 2 साल की बच्ची से हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। भाजपा सरकार मुद्दों पर राजनीति नहीं करती है, बल्कि चुनाव जीतने के लिए बलात्कारियों का सहारा लेती है। स्मृति ईरानी ऐसे मामलों में चुप्पी साधे रहती है। उनसे बाल विकास मंत्रालय लेकर राहुल गांधी का दुष्प्रचार मंत्रालय देना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि महिला सुरक्षा की बात करने वाली भाजपा शासन में 2 साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। मनाली में 2 साल की बच्ची से दरिंदगी की गई, वह बच्ची जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। भाजपा शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं नई नहीं है, देश भर में बीजेपी शासित राज्यों में यही हाल है। गुजरात का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी बलात्कारियों के बल पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि गुजरात में चुनाव से पहले 11 बलात्कारियों को रिहा किया गया। हरियाणा में पेट्रोल पर आए बलात्कारी बाबा राम रहीम से हिमाचल के मंत्री चुनाव में जीत के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। ऐसे लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। हजारों शिकायतें हेल्पलाइन पर की गई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। गुड़िया हेल्पलाइन हेल्पलेस है। मंदिरों की राजनीति पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंदिर भाजपा के बाप की जागीर नहीं है। हिमाचल गुड़िया मामले में सीबीआई जांच के बावजूद कुछ नहीं निकला, कांग्रेस सरकार आने पर मामले की दोबारा जांच की जाएगी। 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में है और 5 साल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है। इस तथा कथित डबल इंजन की सरकार में अगर उसके माँ बाप कह रहे हैं कि उनको न्याय नहीं मिला है, तो उनको न्याय की उम्मीद भी नहीं है। किसी को इस सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है। जब रोहित वेमुला की मां आती है और चलती है, तो वो कहती है मुझे भाजपा से न्याय की उम्मीद नहीं है। क्यों कहती है? क्योंकि ये सरकार महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और पिछड़े वर्ग का पोषण करना नहीं जानती है। ये एक असलियत है जो अपने मुंह से कहते हुए मुझे शर्म आती है। और हाँ, बिल्कुल रिओपन करेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो न्याय की उम्मीद दिखाना सार्वजनिक जीवन के लोगों का काम है। मैं आपको एक बात का आश्वासन जरूर दिला सकती हूं, महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म क्यों बन रहे हैं, कभी किसी ने यह सोचा और पूछा है? क्योंकि दुष्कर्मियों को लगता है कि उनको राजनीतिक संरक्षण मिल जाएगा। जिस दिन पुलिस का और कानून का खौफ आ जाएगा ना, मंदिर के बाहर की चप्पल नहीं चोरी होती है। औरत की इज्जत तो बहुत बड़ी बात है। पुलिस और प्रशासन का खौफ नहीं है, उनको लगता है भाजपा का कोई ना कोई गुर्गा उनको सुरक्षित तो कर ही देगा, संरक्षण तो दे ही देगा। वो खत्म होना जरूरी है। मुझे लगता है मामले बढ़े हैं, और मामले इसलिए बढ़े हैं क्योंकि संरक्षण है, और मुझे लगता है वो संरक्षण खत्म होना चाहिए। भाजपा के पास कुछ और कहने के लिए है? 5 साल तक सत्ता में थी ना भारतीय जनता पार्टी। जो सत्ता में होता है वो रिपोर्ट कार्ड दिखाता है और फिर जनता से कहता है मैंने ये काम किया है, इसके लिए या तो मुझे वोट दीजिए या ना दीजिए। जो सवाल आपने पूछा जवाब उसका मैं ये देना चाहती हूँ। रिपोर्ट कार्ड दिखाने का वक्त है, सवाल उठाने का वक्त नहीं है। और मंदिर आपके बाप की जागीर नहीं है। भगवान राम और देवी हम सबकी हैं। आप हिंदू धर्म के ठेकेदार मत बनिए। हिंदू धर्म में औरतों को देवी का स्वरूप माना गया है, पहले देवियों की तरह औरतों को ट्रीट करना शुरू करिए। अगर आत्मशक्ति और आत्मबल हो, और अगर आप एक महिला हैं और आपको लगता है कि आपकी नैतिक धुरी आपको मजबूर करती है कि आप उस चीज के लिए सवाल खड़े करिए, तो आप जरूर खड़े करिएगा। अगर आप सिर्फ सत्ता के सुख के लिए राजनीति में हैं और आपका एकमात्र लक्ष्य और आपकी एकमात्र पहचान यह है कि आप एक व्यक्ति के खिलाफ बोलती हैं, तो हां, आपके अंदर ना आत्मबल होगा, ना आत्मशक्ति होगी, ना सच्चाई होगी। और इसी की पीड़ित स्मृति ईरानी है। उनको सत्ता की लोलुपता में ही रहना है। जिस दिन उन्होंने पीड़ितों के लिए, दुष्कर्मियों के खिलाफ बोल दिया, उस दिन उनकी सत्ता चली जाएगी, इसलिए वो बोलेंगी नहीं। लेकिन क्या ऐसी महिला हमारे देश की महिला बाल विकास मंत्री होनी चाहिए? यह आप सवाल जरूर उनसे और अपने आप से पूछिएगा। महिला सुरक्षा जन आंदोलन नहीं है। महिला सुरक्षा सभ्य समाज के अस्तित्व का एक हिस्सा है।
महिलाओं की रेप पर गंदी राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। मुझे फक्र है कि मैं उस पार्टी से आती हूं जहां पर निर्भया के इलाज के लिए, जहां पर निर्भया के फंड के लिए, जब निर्भया जा रही थी अपने इलाज के लिए तो 2 बजे टारमैक पर देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी बिना कैमरे के खड़ी रहती थी। मुझे फक्र है मैं उस पार्टी से आती हूं कि 10 साल इस देश को पता नहीं चला कि निर्भया के भाई का भरण पोषण पढ़ाई लिखाई उसको पायलट बनाने का काम राहुल गांधी ने कैमरों के पीछे से किया था, कैमरा जीवी बन के नहीं किया था। हम में और उनमें ये अंतर है। हम लोगों को बात किसी और मुद्दे पर करनी थी लेकिन जब मनाली में 2 साल की बच्ची के साथ एक जघन्य अपराध की घटना आई और वो नाले में पड़ी मिली तो हमें लगा कि नहीं, बाकी सारी बातें एक तरफ हैं, महिला सुरक्षा की, लड़कियों की सुरक्षा की, ऐसे जघन्य अपराध जो होते हैं वो एक तरफ है और पहले उसके बारे में बात करी जाएगी। अगर हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है तो बाकी सारी बातें जबानी जमा खर्च है। तो सबसे पहले तो हम उस परिवार के साथ, उस बेटी के साथ, उन पर क्या बीत रही होगी इस समय, शोक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं और यह भी बताते हैं कि इस चीज से गुस्सा भी बहुत आता है। कौन है ये लोग जिनको लगता है कि वो ऐसा करके एक मासूम 2 साल की बच्ची के साथ बच जाएंगे? 2 साल की बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध की वो अभी जूझ रही है अस्पताल में। हमारी इकाई लोकली इस पर प्रदर्शन करेगी, इस बात को उठाएगी, लेकिन सवाल ये है कि हिमाचल में ये जो खोखले दावे महिला सुरक्षा के किए जाते थे उनकी असलियत क्या है? चाहे मनाली की छोटी सी बेटी हो या कांगड़ा में एक सड़ी गली लाश मिली हो जिसके हाथ पैर बंधे हो, या नेरवा में घास काटने गई युवती हो उसका शव अगले दिन मिला हो, ये मामले क्यों नहीं थम रहे और ऐसी खबरें पूरे हिमाचल से क्यों आ रही है? क्यों भाजपा शासित प्रदेशों में महिलाएं असुरक्षित हैं? ऐसा क्या है कि महिला सुरक्षा दांव पर लग जाती है जब जब भाजपा का राज होता है? बड़े तामझाम के साथ इसको घिनौना चुनावी मुद्दा बनाया गया था, मुझे आज भी याद है 2017 में गुड़िया हेल्पलाइन लॉन्च करी गई। क्या है गुड़िया हेल्पलाइन की असलियत? आज कितनी शिकायतें दर्ज होती हैं, उसमें से कितनों पर एक्शन होता है, कितनी सॉल्व होती हैं? मेरे अकॉर्डिंग करीब 8,500 शिकायतें हेल्पलाइन पर आई हैं जिनके ऊपर रत्ती भर एक्शन नहीं लिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? महिला सुरक्षा का दंभ भरने वाली केंद्र की सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा देने वाली केंद्र की सरकार, तथा कथित डबल इंजन की सरकार, और महिलाएं सुरक्षित नहीं है? मतलब घास काटने गई युवती उसका शव मिलता है, हाथ पैर बंधे हुए एक सड़ी गली लाश एक युवती की मिलती है, 2 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और एक शब्द नहीं आता है शासन से? ये किसकी जिम्मेदारी है? और हो सकता है मैं आपको थोड़ी उत्तेजित इस मामले में लग रही हूं, लेकिन हां उत्तेजना है, इससे गुस्सा आता है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। चुनाव हिमाचल में है और चुनाव गुजरात में है, कुछ उपचुनाव हरियाणा में है। आप किसके बल पर चुनाव लड़ रही है? हमने 10 प्रतिज्ञाएं दी, हमारे कुछ नेता आएंगे, वो आकर आपसे अपनी बात कहेंगे, आप उनकी बात सुनिएगा, प्रभावित होइएगा तो वोट दीजिएगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व आएगा, प्रियंका गांधी जी आज अपनी 3री रैली करने जा रही हैं। हम चुनाव इन चीजों पर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, और मुझे कहने में 1 मिनट का संकोच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव बलात्कारियों के बल पर लड़ रही है। आप मुझे समझाइए कि गुजरात में चुनाव के जस्ट पहले 11 बलात्कारियों को क्यों रिहा किया गया? उनका स्वागत किया जाएगा? बलात्कारियों का हमारा समाज, हमारा धर्म, जिस धर्म से हम आते हैं, वहां पर यत्र नारियस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है, औरत को शक्ति स्वरूप मानते हैं। आज जब ज्वाला जी जाकर प्रियंका जी पूजा करेंगी तो देवी के स्वरूप की पूजा करेंगी, और वहां पर आप एक औरत के बलात्कारियों को और 11 बलात्कारियों को रिहा कर रहे हैं क्योंकि आपको उससे चुनावी फायदा होगा।
और ये ऐसे वैसे बलात्कारी नहीं है। दुख होता है ये कहते हुए, आंख बंद करिए और सुनिए जो मैं कहने जा रही हूं। 5 साल की एक गर्भवती औरत, उसकी 3 साल की बच्ची का उसकी आंखों के सामने सिर दीवार पर फोड़कर मार दिया जाता है, उसके पिता की हत्या होती है, उसके मां के साथ बलात्कार होता है, उसकी फुफेरी बहन जिसने 2 दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था उसके साथ रेप, उसकी हत्या होती है, उसके 2 दिन के बच्चा जो आज भी CBI में अज्ञात शिशु के नाम से, 2 दिन पैदा हुआ बच्चे का मर्डर होता है, मौसी का मर्डर और रेप होता है, बुआ का मर्डर और रेप होता है, मौसा का मर्डर और रेप होता है, 11 लोगों की हत्या करने वाले, 14 लोगों की हत्या करने वाले ये 11 लोग किस बल पर रिहा किए जा सकते हैं? क्योंकि आपको चुनावी फायदा होगा। अब हम बलात्कारियों के बल पर चुनाव लड़ेंगे और चुप बैठेंगे लोग? हरियाणा में आपने राम रहीम को पैरोल पे क्यों रिहा किया है? और सुनने में आया कि हिमाचल के एक मंत्री LED पर उनकी अपील चला रहे हैं कि मुझे वोट दीजिए, इनको वोट दीजिए। क्या हम बलात्कारियों से अपने लिए वोट मंगवाएंगे, हत्यारों से वोट मंगवाएंगे और सभ्य समाज चुप बैठा रहेगा? मेरा अपना मानना है कि हत्या से भी ज्यादा जघन्य अपराध रेप होता है, और यह मैं एक औरत होने के नाते कहती हूं, क्योंकि रेप आपके सिर्फ शरीर के साथ नहीं होता, आपकी आत्मा के साथ होता है, आपकी जहन के साथ होता है, और जिंदगी भर उस स्टिग्मा के साथ उस औरत को जीना पड़ता है। और हम ऐसे बलात्कारियों को चुनाव में खड़ा करके उनसे वोट की अपील करा रहे हैं। घुसने नहीं देना चाहिए अपनी गलियों में ऐसे लोगों को जो उस नाम पर वोट मांग रहे हैं। रेप किसी भी प्रदेश में हो गलत है, कार्रवाई क्या होती है? भाजपा शासित प्रदेशों में रेप विक्टिम को पहले शेम करना शुरू कर दो। संरक्षण जो पुलिस का है, प्रशासन का है, शासन का है, राजनीतिक है, वो रेपिस्ट को दे दो। ऑफिसरों को लगा दो जो पहले तो आके मीडिया को समझाते रहे जी रेप हुआ ही नहीं है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।